लेट्स गेट इंट्रोड्यूस टू वन ऑफ द इको फ्रेंडली कपल्स मंजुनाथ एंड हिज वाइफ गीता हु बिल्ड द ड्रीम इको फ्रेंडली हाउस इन बैंगलोर विद सोलार पैनल्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स वेल ग्रोइंग देयर ओन ऑर्गेनिक फूड देयर बाय नॉट आर्मिंग आर मदर अर्थ लाइक वी डू दे हैव बिल्ड 70% ऑफ देयर होम यूजिंग ब्रिक्स एंड स्टोन्स एंड रेस्ट 30% बाय सीमेंट ही प्राउडली सेज दैट हिज हाउस हैज नो सिंगल एयर कंडीशनर एंड इज कंप्लीटली वेंटिलेटेड बाई मीन्स ऑफ अ टेक्निक कॉल्ड एज क्रॉस वेंटिलेशन वेर इन फ्रेश कूल एयर एंटर्स थ्रू अ लार्ज विंडो एंड स्प्रेड्स थ्रू आउट द हाउस देयर बाय पुशिंग द हॉट एयर इन साइड बाई मीन्स ऑफ स्मॉल विंडोज प्लेस्ड फाइनली बाई यूज ऑफ दिस क्रॉस वेंटिलेशन एंड मड ब्रिक्स द टेम्परेचर इन दर हाउस नेवर क्रॉसेस द प्लेजेंट 28 डिग्री सेल्सियस नाउ कमिंग टू द लाइट पार्ट दैट इज द लाइट दे कंप्लीटली डिपेंड ऑन नेचुरल सनलाइट ड्यूरिंग द डे एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलार पैनल्स दे हैव इंस्टॉल्ड कैन बी यूज टू लाइट द हाउस ड्यूरिंग द नाइट द सोलार पैनल्स दे हैव इंस्टॉल्ड इज ऑफ 10 kW एंड प्रोड्यूसेस 1000 units ऑफ सोलार एनर्जी सोलार पावर एवरी मंथ दे कंज्यूम 250 units ऑफ दैट 1000 units and the remaining 750 units is supplied to the nearby electricity board who provide 9 rupees per unit as per the solar scheme and this contract with the electricity board is for 20 years so it's very stable. Moreover, they have already recovered the installation cost of rupees 9 lakhs since they then now coming on to the rain harvesting part since their house is in a slope, the rainwater collected. The rainwater is collected, which then percolates down to the ground. This increases the water table and also the fertility of the soil. This rainwater harvesting collects about 450,000 liters of water every year. Out of which 2 lakh liters is used for their consumption, and rest is used to recover the water table. Finally, they use the kitchen waste and garden waste to produce manure, which is further used to grow veggies and fruits in an organic manner. Think on this idea, and it's good efforts on Mother Earth. No more comments. Thank you all.